कटनी जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद अध्यक्ष कन्हैया तिवारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में व्यवस्थाएं और भर्रासाही देखकर उन्होंने अस्पताल में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर और अन्य स्टाफ को फटकार लगाई है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में आदर्श कॉलोनी निवासी एक महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद उसके परिजन भर्ती करने लाए थे। महिला को अस्पताल में भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन अस्पताल आने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार स्टाफ द्वारा किया गया। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर उसे ऑपरेशन कराने के लिए दबाव बनाते रहे, लेकिन प्रसूता के परिजनों ने जब आपत्ति जताई तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी जनपद अध्यक्ष कन्हैया तिवारी को दी। उसके बाद वे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल गेट पर ही CMHO को उनके द्वारा फोन लगाया गया, लेकिन 5 बार फोन लगाने के बाद भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं CSB भी अपने कक्ष से नदारद रहे। हद तो तब हो गई जब प्रसूता वार्ड में डॉक्टर विशेषज्ञ की जगह नर्सों द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में व्याप्त अवस्थाओं को देखकर जनपद अध्यक्ष ने कहा है कि जब अभी इस तरह की स्थिति है तो ग्रामीण अंचलों और दूरस्थ अंचलों से आने वाले ग्रामीणों के साथ यहाँ कैसा बर्ताव किया जाता होगा। दोपहर से जानकारी ये लग रही थी कि पेशेंट से डिसीजन नहीं लिया जा रहा, पेशेंट से बात कर ली जा रही है कि आपको सीज़र कराना है, फिर किनारे लिटा दिया, जिप लगा दी, फिर बोले अब हमको नहीं मालूम, मैडम बोल गई ऑपरेशन होना है। पेशेंट थोड़ी बताएगा, ये तो धरती के भगवान इन लोग बैठे हैं, ये बताएंगे कि इनका ऑपरेशन होना है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, या उनके घर परिवार के लोगों से कंसल्ट किया जाएगा। जो बेहोश अर्थव्यवस्था में है उससे दस्तखत थोड़ी करा लिया जाएगा कि आप आपका ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है। डॉक्टर फिर काहे के लिए, फिर वो खुद ही ना डॉक्टर हो जाए। अभी वर्तमान स्थिति में तो आधे घंटे बाद ड्यूटी डॉक्टर का पता चला कि डॉक्टर आए हैं, यहाँ कोई डॉक्टर हैं। अभी CMHO से भी आपके सामने ही बात हुई, CS किसको चार्ज दे के गए हैं पता नहीं है। शासन की योजनाएँ आ रही हैं और सरकार की मट्टी पलीद ये डॉक्टर कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ड्यूटी डॉक्टर को अपने जगह पे होना चाहिए, जो काम आपका है वो उसको आप करें, भगवान हैं आप धरती के, और भगवान को हैवान या यमराज नहीं बनना चाहिए। यही एक दो शब्द की बात है।